साथ स्पाइसी प्रॉन बिरयानी हम बनाएंगे, दही के रायते के साथ सर्व करेंगे, पापड़ भी होंगे। स्पाइसी प्रॉन बिरयानी में हम आपको एक मसाला पीसने का बताएंगे, ठीक है। उसमें क्या करना है हमने कि जो सारी चीज़ें हैं, कहाँ गया ये सब कुछ यहाँ रखा हुआ है, और उसमें हम खोपरा डालेंगे, ये ताज़ा वाला जो नारियल है ये डालेंगे, भुनेंगे अच्छी तरह। पहले हम ड्राई रोस्ट करेंगे और फिर उसको हम आपको ग्राइंड करके दिखाएंगे, फिर इसको हम चावल के साथ, झींगों के साथ पकाएंगे। और चावल फुल डन हो जाए तो झींगे अंदर फोल्ड इन कर दीजिएगा, बिकॉज झींगे तो भाप में ही पक जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कोई ज़्यादा पकाएं। और थोड़ा सा प्याज हमने डाला है इन आर दही का रायता, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, जो भी आपको डालना है, ठीक है। सो वेरी वेरी सिंपल रेसिपी ऑफ स्पाइसी प्रॉन बिस्किट। हम लिए जो सारी चीज़ें मैंने डाली हैं, प्लीज़ लिख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा कुछ लीजिएगा, हमें दो चमचे सिर्फ चाहिए। सो लौंग है यानी क्लोव्स, छोटी हरी इलायची यानी स्मॉल ग्रीन कार्डमम्स, मेस यानी जावित्री, ठीक है, ब्लेड्स आते हैं मेस के, ये मेस है, ठीक है, इस तरह के ब्लेड्स आते हैं। फिर जायफल जो है वो मेरे पास साबुत नहीं था तो मैंने पाउडर डाला है, ज़ीरा है साबुत, धनिया है साबुत, कोरिएंडर एंड क्यूमिन सीड्स, दारचीनी की स्टिक है, स्टार अनेस यानी बादियान का फूल, ये बादियान का फूल, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ये सब मसाले हमने डालने हैं। और इसमें काली मिर्चें हैं, सौंफ है यानी फेनल सीड्स, सौंफ देखें यहाँ भी है, ये दिखाइए, ये सौंफ है। फेन्युग्रीक सीड्स यानी कि छोटी वाली जो मेथी होती है, कम डालिएगा, 4-5 छोटी गोल मिर्चें हैं। लाल वाली खशखाश है और खोपरा है। ये सब कुछ आपने बहुत अच्छी तरह हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है, तेल घी के बगैर। और जब ये हो जाए, हल्का सा खुशबू आ जाए, तो फिर आपने इसको ग्राइंडर में डाल के पीस लेना है। ये ग्राइंड कर दूं मसाला, डिलक्स केटल है एनएक्स की तरफ से, अगर आपको जीतना है तो जल्दी से 888-1 पे आप मुझे बताएंगे खीर के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। खोपरा जितना ताज़ा आप लेंगे ना, तो इतना ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा। एक बोल में मैं निकाल देती हूँ छोटे से, मिशन अकम्प्लिश्ड। अच्छा जी, अब इसमें आप डालिए दूसरा जो मसाला इसमें है, और इसको भी आप अच्छी तरह पीस लीजिए। खीर पे नज़र रखिएगा, उबल नहीं जाए दूध। इसमें से हमने सिर्फ दो चमचे यूज़ करना है। लौंग, छोटी हरी इलायची, दारचीनी की स्टिक, जायफल जावित्री, बादियान का फूल, ज़ीरा साबुत, धनिया साबुत, और सौंफ, काली मिर्चें, छोटी सी जो मेथी आती है, मेथी के सीड्स यानी कि फेन्युग्रीक सीड्स, बहुत थोड़ी डालिएगा, ठीक है, छोटी वाली गोल बटन रेड चिलीज़, और खशखाश और खोपरा। ये सब कुछ ड्राई करके रोस्ट आप उसको ब्लेंड करके या ग्राइंड करके रख दीजिएगा एक तरफ। अब हम चावल पकाना शुरू करेंगे और ये प्रॉन्स पकाना शुरू करेंगे। आप घी डालना चाहें घी यूज़ करें, एंड आई एम गोइंग टू पुट दिस हियर। घी ले लें। कॉलर हैं जी, हेलो 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 जी, हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप सुनाएं। जी मैं भी ठीक हूँ, और आज मेरी फाइनली आपके प्रोग्राम में कॉल लग गई है। जी बोला, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। थैंक यू, मुझे भी। हाँ, मैं इशमल बोल रही हूँ कराची। जी ओके ओके बोले। हाँ,
मुझे ये था कि मैं आपके कभी मुझे ये था कि मैं कॉल करूं और मेरी कॉल लग जाए, मैं आपके सवाल का जवाब भी दूं। हाँ जी दे देना। हाँ आपने कोकोनट खीर बनाई है, आपने बादामी खीर बनाई थी और रोज खीर भी बनाई है आपने जी। उसके अलावा जो है ना बहुत सारी चावलों की भी राइस खीर जो होती है वो भी बनाई है। ठीक है ओके। और शकरकंदी की खीर मुझे बहुत पसंद है। क्या जी? शकरकंदी की जो खीर होती है वो मैंने नहीं बनाई आई थिंक अभी तक। रूट वो जो क्या बोलते हैं मतलब मीठी होती है, अच्छी लगती है उसकी, वो भी बनाए आप। ठीक है बनाएंगे किसी दिन। आई होप कि मैं विन करूं। लेट्स सी कौन जीतता है जी। थैंक यू बहुत शुक्रिया। मीठा बन रहा हो तो ये नहीं करते हैं साथ साथ, लेकिन अब हमें तो करना है ना शो पे, तो प्याज आपने कर दिया लाल, ठीक है, और इसमें आप चावल डाल देंगे, नमक डाल देंगे, लाल ज़रा हो जाए फिर नमक और चावल धो के आप उसको ड्रेन कर दीजिएगा एक्सेस जो पानी है इसका। खीर पे ध्यान रखिएगा। प्रॉन्स ओवर कुक करेंगे तो हार्ड हो जाएंगे, ठीक है, कलेजी प्रॉन्स चिकन लिवर और वो क्या कहते हैं चिकन ब्रेस्ट ये सब कुछ, इसको अगर आपने ज़्यादा पका लिया तो फिर बस सख्त हो जाएगा। प्याज हो जाए हल्का सा ब्राउन तो आप इसमें नमक डालेंगे और फिर आप इसमें चावल डाल देंगे। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। आज का क्वेश्चन क्या है? खीर के नाम मैंने पूछे हैं। खीर के नाम? खीर के जी, अलग अलग मुख्तलिफ खीर होती है ना, आप बताएं जरा नाम खीर के। बादामी खीर। बादामी खीर। हेलो कहाँ चली गई जी, बोले ना। बादामी खीर। क्या जी? बादामी खीर। अच्छा और? खोया खीर। ठीक है और? चावलों की खीर। फिर? और बटर। चलें ठीक है, इतने भी काफी हैं जवाब। ब्रेक की तरफ चलना है हमने, यहाँ थोड़ा सा पानी मैं डाल देती हूँ ताकि हमारे चावल हो जाएं, फिर आप लोग आएंगे तो फिर झींगे हमें बनाने हैं, ठीक है। अब हम झींगे बनाते हैं, ये देखें ये तिल का तेल है, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अच्छा भाई इसको ज़रा कम कर देते हैं वरना ये कहीं उबाल ना आ जाए बहुत। अब ये जब गर्म हो जाएगा तिल का तेल, पैन सीधा रह ही नहीं रहा, हाय हाय कुछ दिन ऐसे होते हैं। इसको यहाँ रखते हैं, नहीं इसको नहीं यहाँ रखते हैं, इसको वहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, समझ आया ना आप लोगों को? इसको यहाँ रखते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको खोल देते हैं। जी एक कॉलर है। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनरल जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ थैंक यू, आप सुनाएं। अल्लाह का एहसान, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया थैंक यू। और आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी जरूर। कोकोनट खीर, राइस खीर, खुश्क मेवे की खीर, गाजर की खीर। अच्छा जी थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया। जैसे ही तिल का तेल हो जाए तो आपने इसमें प्याज डालनी है और हल्का सा सौते करना है, फिर अदरक लहसुन जाएगा, ये है लाल मिर्चों का पाउडर, उसमें हल्दी डाल देते हैं, उसमें नमक भी डाल देते हैं,
और धनिया पाउडर है ये भी डाल देते हैं, ठीक है, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। काली मिर्चें कुटी हुई हैं, ये भी डाल देते हैं जी। एक कॉलर है, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है, मुझे जरना का आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, और अभी जो आपने मसाला भूना है उसकी मुझे खुशबू यहाँ तक आ रही है। अरे वाह, क्या बात है। आई कैन इमेजिन कि वो कितनी जबरदस्त आपने इंग्रेडिएंट्स डाल के और उसको भूना है, तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। ट्राई करिएगा जरूर जी, इंशाल्लाह। और मुझे आपकी कुकिंग भी बहुत पसंद है, आपके सवाल का जवाब भी देना चाह रही हूँ। और दूसरा, मुझे जन्नत माशाल्लाह आपके बाल इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मुझे उसकी भी टिप बताइए कि क्या राज है आपके खूबसूरत बालों का। मैंने क्या करना है जी, टिप क्या बताऊं मैं? ये क्या जी, क्या तो टिप जो आप जी कोई कुछ नहीं किया, बस कुछ नहीं किया मैंने, वाकई कुछ नहीं किया। अच्छा, नहीं नहीं, हमें जरूर बताएं कि आपके खूबसूरत बालों का क्या राज है। हाय हाय, कोई राज ही नहीं है जब, तो क्या बताऊं, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, सिर्फ बढ़ गए हैं, लंबे हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ कटवा दूं, इतने छोटे करवा दूं। नहीं नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आपके जी वो भी अच्छे लगते हैं, शॉर्ट भी अच्छे लगते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी मेरे इतने छोटे बाल थे, तो मैंने सोचा जरा आप बढ़ा देते हैं। नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। सवाल का मैं जवाब भी दूंगी। जी जी जी। जो मुझे अच्छी लगती है खीरे, मैं उनके नाम बता सकती हूँ कि मुझे एक लौकी की खीर बहुत पसंद है, ठीक है, और जी, और मैंगो खीर बहुत पसंद है मुझे। ओके। और सेवइयों की जो खीर एक बनती है, शेर कोरमा टाइप, वो भी बहुत पसंद है। और हमारी जो फेमस है बादामी खीर, या जो हमारी चावलों की खीर पुडिंग जो है, वो तो खैर है ही है, ठीक है। ओके, तो बहरहाल ये वाली खीरें मैं खुद भी बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह हाफिज जी। चले, ये हो गया अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज ब्राउन हो जाए फिर डालिएगा, सॉफ्ट जाएगा इसमें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फेनल सीड्स, ठीक है। फिर ये जो मसाले थे, नमक, काली मिर्चें, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी, ये सब कुछ चला गया। और आप इसमें कड़ी पत्ते डालेंगे। सोचें, बिरयानी है, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप की आप लोग बिरयानी बनाएं। और फिर टमाटर दो अदद, अब इसको अच्छी तरह सॉटे करिएगा, बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा ताकि ये टमाटर पके। और कॉलर हैं, उनसे करते हैं बात। सलाम अलैकुम जन्नत। हेलो जी, क्या हाल है? जी भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। आपकी सबकी तारीफ करनी, माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाती हूँ, आज खीर तो आप बड़ी जबरदस्त बना रही हैं। कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है, पकाते जाइए दूध को काफी सारा, ठीक है जी। जी बहुत माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू, ट्राई करिएगा जरूर जी। और आपके सवाल के जवाब दीजिए जी, जरूर। लौकी की खीर, कोकोनट खीर, बादामी खीर, रबड़ी खीर, पिस्ता खीर, मैंगो खीर, चावलों की खीर। ओके, ठीक है, नोट कर दिया है जवाब। अल्लाह हाफिज। अब जो मसाला पीसा था, खुशबूदार, आला, बिल्कुल दो चम्मच आप इसके डालिएगा। अब जो चावल थे, घी में प्याज ब्राउन करिएगा, चावल पकाइएगा 3/4 डन, और नमक डालिएगा इसमें, ये पूरा मसाला जाएगा, और फिर आपको उसको दम पे रखना है। समझ आ गई? अच्छी तरह टमाटर को पक लीजिएगा, इसको यहाँ से डीवेन करना बहुत ज़रूरी है। झींगे ऐसे खा लेंगे तो पेट ख़राब हो जाएगा और मुंह में वो कचर कचर आता है, मिट्टी होती है। ये यहाँ से कट लगाइएगा, पूरा धागा निकाल दीजिएगा। और मैं यहाँ से भी करती हूँ, यहाँ से भी आप कट लगाइए और यहाँ से भी आप ये धागा निकालिए, ठीक है। ये निकालिए, फिर साफ़ पानी से अच्छी तरह धोइए और फिर आप उसको पकाइए। कभी भी पेट भी नहीं ख़राब होगा। और कुछ लोग नहीं खाते हैं मछली, झींगे, ये सोचते हैं, कह रहे भाई इसमें तो बहुत स्मेल आती है सी फूड में, तो अगर आप धोते वक्त थोड़ा सा सिरका डाल के रख देंगे ना, कुछ नहीं होगा। ब्रेक है, ओके, चले, झींगे जा रहे हैं अंदर, बहुत कम टाइम आपने झींगों को पकाना है, और दैट्स इट, ठीक है। स्टर कर दीजिएगा मसालों के साथ, टमाटर के साथ, 2 मिनट पका के मैं हटा दूंगी, फिर दम पे पक जाएंगे चावल के साथ, जो भी कुछ होगा। हमारे चावल हाफ डन है, झींगे हो गए हैं, आपने झींगों को ऐसे करके डाला, ठीक है, विथ ऑल द मसाला एंड एवरीथिंग, टमाटर शमाटर सब कुछ। पानी कम रखिएगा और
दम पे छोड़ दें, भूल जाएं। मैंने वहाँ रायता रख दिया है, हरी मिर्ची वगैरह कुछ सर्व करना है, कोई अचार, पापड़ यहाँ रखे हैं, पापड़ फिर हम डेकोरेट कर देंगे, और ये इसको हमें दम पे छोड़ना है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे इसमें ऊपर से बहुत थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना पड़ेगा, ऐसे करके थोड़ा सा, ठीक है, बिकॉज चावल फिर नीचे लग ना जाए। और अभी चावल में कसर बाकी है, अभी हुए नहीं हैं, हाफ डन थे चावल। इसमें निकालें और ऊपर से फिर आप पापड़ के साथ, हरी मिर्चों के साथ, रायते के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सजाएं और ट्राई करिएगा। ज़रूरी नहीं है हमेशा बिरयानी चावल और फिर वो झींगे या चिकन या गोश्त हो फिर चावल, उस तरह आप इस तरह भी रखिए, मिक्स कर दीजिएगा सर्विंग से पहले, पता भी नहीं चलेगा किसी को कि आपने लेयर नहीं किया है, ठीक है।